आंटी देखें, आपकी बहू ने तजुर्बा किया है। अरे वाह, ये तो शक्ल से ही बहुत लजीज लग रहा है। बस अब खाने में भी लजीज होना चाहिए। मेरी बेटी ने बनाया है तो लजीज क्यों नहीं होगा। जी जरूर, बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी बाबा अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ। वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हमें लगा कि हमारी बेटी हमें भूल गई है, तो हमने कहा खुद मिलाते हैं जाकर। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको भूल सकूं? आप कैसी हैं बहन? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खड़े क्यों हैं आप लोग बैठे? शुक्रिया। अम्मी देखिए, मैंने ये पास्ता बनाया है, घर में कभी सही बनता ही नहीं था। तुम अपने ससुराल में इतनी खुश हो और हम परेशान रहते थे। परेशान मत हुआ करें, मैं बहुत खुश हूँ। आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती है। और फखर? वो भी। तो वो बात क्यों नहीं करता हमसे? कोई नाराजगी है उसकी हमसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मसरूफ रहते ना, बस इसीलिए। तो है कहाँ, बुलाओ उसे। बेटा तुम बैठो, मैं चाय का इंतजाम करके आती हूँ। नहीं, मैं बना के लेके आती हूँ। नहीं बेटा, मैं बनाऊंगी, तुम्हारे पास आए हैं, तुम बैठो। और आप लोग खाना खाए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। जी। इस सब की क्या जरूरत थी? अरे बेटियों के घर खाली हाथ आते हैं क्या? आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप लोग के आने की कितनी खुशी है मुझे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तुम्हारे लिए कितना तड़पते हैं। अब तो मुलाकात हो गई ना, अब परेशान मत हो। फकर गए, बुलाऊंगा उसे। जरूरी काम था उन्हें, इसीलिए घर से गए अभी। अब तो फोन करके बता दो उसे हम आए, हम मिलके जाएंगे उससे। क्या वो क्या सोचने लगी? अरे जाके फोन करो उसे, बताओ हमारा। जी मैं भी आती हूँ। अभी अब तो अपनी बेटी को खुश देख के तसल्ली हो गई तुम। जी सारे खौफ दूर हो गए।